तो गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन पेशकश बाय अब्दुल मलिक फरीद साहब, मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इंफ्रास्ट्रक्चर मस्जिद शेख जैद अबू धाबी एंड ट्रक अड्डा रिव्यू। एंड देखते हैं अभी ये कौन सा रेस्टोरेंट है, ट्रक अड्डा पंजाबी टाइप रेस्टोरेंट वगैरह, पंजाबी ढाबे टाइप है ना। एंड इतनी ब्यूटीफुल जो मस्जिद है शेख जैद अबू धाबी, एंड उसका रिव्यू भी देखेंगे। एंड अब्दुल मलिक फरीद साहब की जितनी भी वीडियोस आ रही हैं रमज़ान के टाइम पे, डेली डेली धड़ाधड़ वीडियोस आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड लेट्स सी कि कैसी होगी ये वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं हूँ अब्दुल मलिक फरीद और आज बहुत खूबसूरत दिन है। हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी और अबू धाबी में मैंने आप लोगों को जाके दिखाना है इंशाअल्लाह मस्जिद शेख जैद, और साथ में खाना भी खाएंगे ट्रक अड्डा रेस्टोरेंट पे। तो सब कुछ आप लोग देखेंगे आज की वीडियो में इंशाअल्लाह। यहाँ पर हमें उबैद भाई मिले और माविया भाई। यहाँ पे दुबई के चारों कोनों पे इन लोगों ने चार जो है ना एग्जिट बनाई हुई है, ये फोर पॉइंट्स हैं बर्गर पे, टोरी है, यहाँ से खाना ये देखें। यहाँ पर फ्यूल स्टेशन भी होगा ना? हाँ जी, फ्यूल स्टेशन वो पीछे, हाँ। मुझे मिस कर रहा है। यहाँ पर रेस्ट एरिया भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पर उल्टा हुआ है, देख रहे हैं जैसे ट्रक रोड के ऊपर फ्लिप हो गया है। ये ट्रक अड्डा है क्या? वो भी सकता है, यही लग रहा है। वाह, ऑटोमेटिक डोर के जैसे बनाया हुआ। और ये लें जी हाथ धोने के लिए भाई, कड़क नहीं ये नीचे। ओ यहाँ पे प्रेस करके, ये प्रेस करना। वाह क्या बात है, क्या सीन है, जबरदस्त। ये लें जी, लाइट भी टेढ़ी हुई हुई है, वॉशरूम्स भी वो जेल वाले बने हुए हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोलिक लगा हुआ है लेकिन पानी इससे आता है, पानी वाला सिस्टम सही लगा है मुझे। और ये है ऑयल गैलन में इन्होंने शैम्पू रखा हुआ है। अच्छा, ये जनाब यहाँ पर शमैश स्मैश रूम है। और यहाँ पर उबैद भाई क्या करते हैं? यहाँ पे आप आए आपको उनसे ले और उसे ना तोड़े तोड़े अपना गुस्सा निकाले। वाह ये जगह उन लोगों के लिए बनी हुई है खास तौर पे जो शादी शुदा है। जो शादी शुदा है, सही बात है। जहाँ पर जोर नहीं चलता ना वहाँ पे चुप कर जाए, यहाँ पे आपका गुस्सा निकाले अपना। ये कम ना शादी शुदा कम करते हो, सही बात है। क्या बात है जी, ठीक हो? कौन सी आइसक्रीम होगी इनके पास? ये बास्किन रॉबिन्स है यार, ये एक टॉफल डेट पुडिंग कर दो। अभी हम लोग अबू धाबी में पहुंच चुके हैं और हमारा इरादा है पहले जाएंगे मस्जिद जैद, क्या नाम है मस्जिद, शेख जैद, शेख जैद मॉस्क, उसके बाद फिर जाके खाना। ये हम लोगों ने इधर गाड़ी छोड़ दी है पार्किंग में और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त नीचे मॉल बना हुआ है, यहाँ पर ये डॉम्स वगैरह बने हुए हैं और ऊपर से आप घूम के आते हैं नीचे, वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे यहाँ पर लेके आती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम ख़वातीन आती हैं ना, जिन्होंने थोड़े से उस तरह के कपड़े पहने होते हैं जो कि मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तहजीब या शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं, जैसे बाजू वगैरह नंगे होते हैं या टांगे, तो वो लोग फिर यहाँ से अबाया लेती हैं, अबाया लेके पहन के फिर जाती हैं ऊपर। अच्छा, अभी हम लोगों ने वहाँ से एक पास लिया है, फ्री था, फ्री ऑफ कोर्स विजिटर पास, और वो पास हम लोगों ने स्कैन करवाया है जैसे एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं, वैसे सिक्योरिटी चेक था। लेकिन वो लोग कह रहे थे कि अगर आप नमाज से पहले आते हैं, नमाज के टाइम पे, नमाज से 15 मिनट पहले, तो फिर आप इजीली डायरेक्ट जा सकते हैं। ये विजिटर्स के लिए ये पूरे सिक्योरिटी चेक वगैरह हैं यहाँ पर। अब निकलने लगे हैं मस्जिद की तरफ इंशाल्लाह। ना तेरा खुदा कोई और है,
ये लें जी, ये आ गए हैं हम लोग मस्जिद शेख जायद के पास। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है, ना तू बन सका ना बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है, क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला में है दूध है, जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़नी वो लोग इधर रुकेंगे पीछे, और जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो लोग आगे जाएंगे। ये यहाँ पर वजू की जगह, ये वजू की जगह यहाँ पे बनी है। यहाँ पर वजू का एरिया कोई 5-star होटल से कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त, साफ सुथरा, वेल मैनेज्ड। ये शूज़ उतारने की जगह, यहाँ पर तमीज़ से शूज़ उतार के रखें, उसके बाद फिर जाएं मस्जिद में, सफाई का ख्याल रखें। ये हमें प्रेयर मैट दिए इन्होंने कि इधर नमाज पढ़नी है। अच्छा, ये सामने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आप इनके ऊपर बैठ के जा सकते हैं अपने जहाँ पे भी जाना है। चलें जी, हमारे दूसरे भाई का वो पीछे बैठना। अच्छा चलें जी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, देखिए मस्जिद बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। अच्छा, मस्जिद से होके हम लोग आ गए हैं और बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त शॉप्स वगैरह, पूरा मॉल की तरह बना हुआ है। अब बाहर जाके हम लोग ट्रक अड्डा पे जाके खाना खाएंगे। ये हम लोग जी ट्रक अड्डे पे आ गए हैं। ये कौन सी जगह है उबैर भाई? ये हमदान स्ट्रीट है, बिहाइंड यतीम ऑप्टिशंस स्पिनीज, और ये यतीम की बैक साइड पे है। ये ट्रक अड्डा के साथ 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 मलेशियन भी है रेस्टोरेंट। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक तो कढ़ाई बिल्कुल फ्रेश बनती है, दूसरा देसी घी में बनती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे देसी घी का हलवा पूरी होता है, सैटरडे संडे होता है, देसी घी में पेठे का हलवा है। बारबेक्यू हमारा बड़ा स्पेशल है, हमारे जो शेफ आए हुए हैं जो लाहौर से हैं, माशाल्लाह 20-25 साल के एक्सपीरियंस है। हमारा लाहौर में आया ट्रक अड्डा, तो ये शेफ वहीं से बुलाए हुए हैं, लाहौर में भी लोगों को हमारा खाना बड़ा पसंद आता है, तो यहाँ पे भी अच्छा है। ये लाहौर ट्रक अड्डा है रेस्टोरेंट का नाम, तो यहाँ पर लाहौर की तस्वीरें भी बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई हैं इन्होंने। ये अंदरून लाहौर की है, ये मेरे इलाके की है, भाटी गेट। ये मेरा इलाका। अच्छा मालिक भाई, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो किचन है, हमारे पास दो खाने चलते हैं, एक मलेशियन है और एक पाकिस्तानी है ट्रक अड्डा। तो हमारे ये दो किचन है, ये किचन जो है डेडिकेटेड है पाकिस्तानी फूड के लिए। ये बारबेक्यू का सेटअप देख सकते हैं, वो अंडे वाले बर्गर और दूसरी चीज़ों का सेटअप है। ये क्या बन रहा है यहाँ पर? मलेशियन चीज़ कलामारी। ओके ग्रेट। ओह
मलेशियन खाने काफी टेस्टी लग रहे हैं मुझे। अंडे वाला बर्गर बनाना है, अंडे वाला बर्गर गरम करना है यहाँ पे। जी सर, ठीक है। शामी टिक्की, शामी टिक्की है ये, क्या दाल से बनाते हैं शामी टिक्की? जी सर, सब पकाएंगे सर। अच्छा, ब्लैक पेपर, बाकी के अंडे में ब्लैक पेपर डाल दिए हैं। जी सर, मायो और ग्रीन तो अंडा चाहिए, फिर ऊपर दोबारा से हैं। जी सर, अच्छा ये क्या चीज़ बना रहे हैं? रेशमी को आप बना रहे हैं और अच्छा चीज़ ऐड कर रहे हैं, चीज़ ऐड की है इसमें। जी सर, थोड़ी सी मिल्क क्रीम। अच्छा ये क्या चीज़ बन रही है? पाशा बोटी है स्पेशली। ये पाशा बोटी है जी, और ये मलाई बोटी है। ग्रेट, माशाल्लाह। चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। अच्छा जी, टमाटर की और प्याज की पेस्ट, ब्लैक पेपर, ओके, गरम मसाला, कुछ की हम बनाई करेंगे। समर को क्या कहते हैं, बनाई करना, यानी कि अभी कढ़ाई बन रही है। आप ये 10 मिनट के लिए फ्राई होगा। देखिए हमारे स्पेशल 12 मसाले डलने हैं इसके ऊपर, ये चरखे के ऊपर, ये हमारे स्पेशल 12 मसाले हैं, और ये इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना, 4-5 गुना बेहतर होता है। यहाँ पे चरखा अभी हम ट्राई करने लगे। किचन में क्या मज़ा आता है, किचन में खाना खाने का अपना मज़ा है, अपना मज़ा है। गरम गरम दे दें, पकाया क्यों रख रहे तो ये हमारे वहाँ पे एक बड़ा मशहूर था, वो लगाया करता फट्टे के ऊपर, आपको पता है लाहौर में जो सेटअप होता है, तो ये उनका तरीका है। वो पहले इसे स्ट्रीम करके रखते थे, बाद में जब कस्टमर जाता था तो फ्राई करते थे, और भी मिलते थे वो 100% फ्राई करते थे, लेकिन मैं कभी वो पसंद नहीं आए। अच्छा, तो हमने ये यहाँ पे शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत फेमस है यहाँ पे ना। Great. हमारी वन ऑफ द बेस्ट रनिंग आइटम है ये जो चल गया ना। ये हमारी बिरयानी है। अच्छा, ये दम बिरयानी होती है, जबरदस्त, सही मसालेदार है, माशाल्लाह लोगों को बड़ी पसंद आती है यहाँ पे। ग्रेट, आपके लिए मैं भी बनवाता हूँ, आप बैठे। और ये हमारी है पीटा ब्रेड। अच्छा, ये हम स्पेशली बनाते हैं लाहौरी शवारमे के लिए। ओके, यहाँ पे मिलती नहीं है ये ब्रेड, वो हम लोग खुद ही तैयार करते हैं। ग्रेट, और ये चिकन मीट, ये चिकन मीट है। अच्छा, ये जो नान इसके बीच में लगा है, ये हमारा स्पेशल ट्रकटा का नान है, ये ट्रकटा के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अच्छा, ये देखें, इसमें कलवंजी है, गार्लिक है, चीज़ है, और साथ में रोगनी नान है, सब कुछ एक ही, सब कुछ एक ही नान है। चलें जी, हमारे आइटम्स लगवा दिए हैं, 3-4 आइटम हैं, आप देखते हैं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू उबैद भाई के लिए, नो प्रॉब्लम, मैंने इनवाइट किया है। ये हमारा पालक गोश्त और साथ में चावल है। चलें सबसे पहले पालक गोश्त ही ट्राई करते हैं, 3-in-1 नान के साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं पालक गोश्त। चलें बिस्मिल्लाह, ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट, पालक गोश्त बहुत ज़बरदस्त है, इज़ फंटेस्टिक। ये तो पालक मुर्गी है। हाँ जी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज, लास्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन तो नहीं कहूँगा मैं अभी, इज़ फंटेस्टिक।
कढ़ाई मुर्गी ट्राई करते हैं। ये वही कढ़ाई मुर्गा है। ये कढ़ाई मुर्गी, ये है जी कढ़ाई मुर्गी। भाई का हमेशा ऐसा वाला जबरदस्त, अच्छा है, जबरदस्त टेस्ट है। चरगा लेते हैं यहाँ से। अंडे वाला बर्गर नहीं लिया क्या भाई साहब आपने? चरगा वैसे मैंने ट्राई किया था किचन में, लेकिन यहाँ पर फिर हम बनाएंगे उनके साथ। और इसका एक बड़ा जबरदस्त मिवाला बनाते हैं। भूख लगने लगा दी। ये इमली की चटनी के साथ काम करने का हमको थोड़ा, ऐसे अब्दुल मलिक फरीद साहब को लगवा रहे हैं हम। जबरदस्त फ्लेवरफुल चटनी के साथ जो है ना, थोड़ा सा खटाइश डाल के उसके फ्लेवर्स और ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये बाद में कंटिन्यू करूँगा, पहले मैंने अंडे वाला बर्गर ट्राई करना है। मैंने सोचा अंडे वाला बर्गर कहाँ गया। ये जी हमारे पास आ गया अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बड़ा फेमस है ना, पाकिस्तान वाला टेस्ट ही है। नहीं चेक करें यार, वाकई जैसे पाकिस्तान में गली मोहल्लों में मिलते हैं ना अंडे वाले बर्गर, वही वाला टेस्ट है, वही वाली वाइब्स आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। पाशा बोटी है, ये है जी हमारे पास पाशा बोटी। पाशा बोटी कौन सी बोटी? और ये पूरी मैंने खा नहीं पाने इसलिए आधी करके। ये गरम, ये हमारी मलाई बोटी। कौन सी बूटी? ये हर चीज़ मैंने भी खेल दी है, ये छोटा हिस्सा मिला है मुझे, फुल गरम है, सीजनिंग प्लेट में लेके आए हैं ना। पाशा बोटी भी मज़ेदार है, जिस तरह की दूसरी जगहों से मैंने खाई है पाशा बोटी उनसे डिफरेंट है, लेकिन मज़ेदार है। इसका अपना टेस्ट है, सॉसेस मुख्तलिफ हैं। ये हैं जी रेशमी कबाब यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा गर्म लग रहे हैं, वैसे ही बारबेक्यू काफ़ी गर्म था अभी तो खाया, बिल्कुल खस्ता नरम रेशमी कबाब चटनी के साथ ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त नरम लाजवाब, इसमें भी देसी घी डालते हैं। देखो आप इसमें चीज़ और वो, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। ये यहाँ पे हमारे लिए पेठे का हलवा लेके आए हैं, इसमें बादाम डाली हुई है हलवे के अंदर और गर्म है, ज़बरदस्त लाजवाब प्योर टेस्ट आता है इसमें। हाँ जी, ये भी प्योर देसी घी में बनता है, खोए में और पेठे में। ये हमारी खीर और ये है खीर, खीर ट्राई करें। हमारे पास सुबह में देसी घी का, प्योर देसी घी का नाश्ता होता है, लेकिन फिर वो हफ्ते एतवार को बस देसी घी। क्या चीज़ होती है नाश्ते में? हलवा पूरी होती है देसी घी की, उसके अलावा लाहौरी चने होते हैं हमारे पास, सेम टेस्ट जैसे लाहौर के। नान आपने हमारा ट्राई किया है, नान ज़बरदस्त, उसके साथ बहुत अच्छा रहता है। फिर पाए होते हैं हमारे पास मटन पाए। अच्छा, नहीं ये नाश्ते में हफ्ता एतवार, हफ्ता बस एतवार, यानी कि छुट्टी के दिन इनके यहाँ नाश्ता होता है, जिसमें हलवा पूरी भी होती है, ऐसे ही है ना, और पाए चने भी होते हैं, ज़बरदस्त। चलें जी, बड़ा मज़ा आया खा के, बहुत अच्छा था खाना अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जाना है वापस हमने दुबई। आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर दें। और मज़ीद अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रिएक्शन ऑन अब्दुल मलिक फरीद साहब, बेहतरीन वीडियो उन्होंने। अबू धाबी की बेहतरीन मस्जिद दिखाई उन्होंने, इंटीरियर दिखाया, वहाँ पर वज़ू करने का मतलब क्या भाई, मतलब पूरा पत्थरों में था बैठने के लिए, आगे टुट्टियाँ लगी हुई हैं, गुम्मत था एंड पूरा नीचे अंडरग्राउंड था। क्या ऑसम था यार, है ना, 5-star होटल से कम नहीं था ऑफ कोर्स। एंड जो उन्होंने वो भी बताया कि गड्ढा भी दिखाया उन्होंने, है ना। हाँ, इतना दूर अभी थोड़ा रुक जाओ, पहले जो पहले हुआ वो स्लोली स्लोली जाते हैं ना बेटा, है ना। ट्रक अड्डा लास्ट में दिखाया, जो हमने देखा ना अभी खाना खा रहे थे, वो था ट्रक अड्डा, समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे नहीं क्या वो सामान, हाँ सामान लगेला था वहाँ पे हाथ धोने के लिए भी पैर से वो एक्सीलेटर दबाना पड़ता है जहाँ से। वो भाई क्या जगह थी भाई, वो बहुत ही यूनिक था, पूरा एकदम बढ़िया था। एंड फिर उसके बाद
शेख जैद मस्जिद वो जो थी बहुत ऑसम थी, ब्यूटीफुल थी, बहुत ब्यूटीफुल। और बट सबसे बेहतरीन वो उसमें वो भी उन्होंने बताया ना, अंदर मॉल से फिर अंदर पार्किंग के बाद मॉल आता है, मॉल के बाद फिर जाना है मस्जिद में, एंड फिर उसके बाद आपको अगर मॉल में भी जाना है तो वो जो लड़कियाँ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अबाया पहन के जाना है, बिना अबाया के जा भी नहीं सकते वो लोग। भाई क्या ऑसम मस्जिद थी। फिर उसके बाद फिर गए ना भाई ट्रकड्डा, आए हाय हाय किचन के अंदर जो हमें तड़पाया ना उन्होंने, इतना कौन तड़पाता है यार, गलत है ये। चलो कोई बात नहीं, कल हम फिर से लेके आएंगे उनकी वीडियो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।